नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा CAA और NRC को लेकर कांग्रेस देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने में लगी हुई है। नागरिक संशोधन कानून 2019 राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि जब इस कानून पर सदन में चर्चा चल रही थी तो उस चर्चा का हिस्सा कांग्रेस पार्टी भी रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी के प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया गया था। अब कांग्रेस देश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो कानून बना है उसमें नागरिकता देना है, लेना नहीं। कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के अल्पसंख्यकों, जिनका उस देश में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उत्पीड़न किया जा रहा था, ऐसे लोगों को जो दिसंबर 2014 से पूर्व किसी भी रूप में भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देना है। उन्होंने बताया कि NRC को अभी तक भारत सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनूप झा की रिपोर्ट। देश की आजादी के समय नेहरू लियाकत समझौता और महात्मा गांधी के उस आश्वासन को, जो अल्पसंख्यकों को जो दूसरे देश में थे, भारत में हम उनको पूरी सुरक्षा रक्षा देंगे, आज कांग्रेस ने ये अवसर भी अपने हाथ से गंवा दिया है। कांग्रेस ने सारे मुद्दे का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया है, ये कांग्रेस को आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारी पड़ने वाला है। मैंने CAA एक कानून है, कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बनके देश में लागू हो गया। ये राज्य का विषय नहीं है, ये संवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये भारत की सूची का विषय है। इसलिए CAA बनने के बाद पूरे देश भर में इसको लागू होना ये मैंडेटरी है, जरूरी है। NRC एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग लागू करेंगे, उसमें कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कांग्रेस एक भ्रम फैला रही है अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर, कोई भी अल्पसंख्यक जो इस देश में रहने वाला, उसको किसी भी प्रकार का कोई कहीं भी किसी तरह का ना कष्ट है, ना कोई किसी तरह का भ्रम की स्थिति पालनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि भाई NRC लागू होगा, NRC लागू होने के बाद ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। NRC अभी तक देश में लागू करने का निर्णय भारत सरकार ने नहीं लिया है, जब लेंगे तब उसकी प्रक्रिया तय होगी। अभी जो CAA है, ये किसी की नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून बना है। इसमें जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उन तीन देशों में धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, उनकी लड़कियों को उठाकर उनसे निकाह करके और बाद में धर्म परिवर्तन कर लेना, ये घटनाएं होने के बाद वहाँ से लगातार हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, वो किसी भी रूप में 2014 दिसंबर से पहले भारत आए हों, उनको नागरिकता देना, ये नागरिक संशोधन विधेयक के अंतर्गत।